See, you may know one some of the incidents in, that happened in her life. Actually, what happens is that when she has started her orphanage in Calcutta, कैसे हुआ था? उनके पास एक भी पैसे विषय नहीं थे, तो ये दुकानदार के पास गया, जो ब्रेड बेचते थे, उनके पास काफी ऑर्फेंस थे, तो दुकानदार के पास पूछा कि हमारे लिए ब्रेड चाहिए बच्चों को, तो दुकानदार ने क्या किया, थोड़ा सा कठोर आदमी था, तो उसने उनके हाथ में थूक दिया, जब ऐसा हाथ फैलाया, तो थूक दिया, तो मदर टेरेसा ने इतना कहा, ये तो मेरे लिए हो गया, मगर हमारे बच्चों के लिए क्या होगा? So that really changed, brought in a kind of conversion deep into that person. So दूसरे दिन सुबह एक पूरा ट्रक भरकर ब्रेड वहां पहुंचाया एक ही शब्द से. मेरे कहने के तात्पर्य यह है कि चाहे कोई भी धर्म क्यों न हो, जब तक हम लोग निंदा या ह्यूमिलिएशन सहन नहीं करते, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते. इसलिए जी जी और उनके साथी आए हैं, तो उनका भी एक बार स्वागत करेंगे सारे. और जो एक क्यूट लेडी गेस्ट है, यंगेस्ट गेस्ट ऑफ टुडे, लॉय लॉय, उनका भी स्वागत करेंगे. और फाइनली मैं अपनी तरफ से और शफा फैमिली की तरफ से शुक्रिया करूंगा फादर जॉर्ज जी का कि उन्होंने इतना प्यारा मैसेज दिया हमें. और साथ ही मैं इनवाइट करूंगा राजीव जी को कि वोट ऑफ थैंक्स के साथ वो अपने फाइनल वर्ड्स के साथ एक फैमिली को मैसेज दें. एक बार इस तरफ आ जाइए.